मध्य प्रदेश के नए सीएम के सीएम बनने की जीत की खुशी, जीत की खबरें आप हर नेशनल मीडिया में दिन रात सुबह शाम 24 घंटे सुना हो। उनकी तारीफ में कई कसीदे, कई लाइन, कई कवियां, कई बातें, कई इतिहास सुना होगा आपने। पर क्या आपको पता है कि सीएम बनते ही पहला चुनाव हार गए हैं मोहन यादव। आप चौंक गए हो कि ये हम क्या कह रहे हैं, अगर हारता तो हमें पता नहीं चलता। जी हाँ, सीएम बनते ही सबसे पहले चुनाव जो हुआ, महज 5 वोट हासिल हुई है, और इस खबर को आपको नेशनल मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा। नमस्कार, मैं उमेश कुमार, और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा मोहन यादव के इस वोट के बारे में, इस चुनाव के बारे में, इसमें हार गए, और ये भी बताऊंगा, विश्लेषण करूंगा किस प्रकार ये महत्वपूर्ण खबर है और किससे इसे दबा दिया गया है, जो आपको खोजने पर भी नेशनल मीडिया में नहीं मिलेगी। दरअसल भारत के कुश्ती संघ जो है, उसका बृहस्पतिवार 21 दिसंबर को चुनाव हुआ। उसमें अध्यक्ष पद पर संजय सिंह को चुनाव किया और उन्हें ब्रिजभूषण शरण सिंह की करवी माना जाता है। वहीं उपाध्यक्ष पद पर पश्चिम बंगाल के असित कुमार शाह, पंजाब के करतार सिंह, मणिपुर के एन फोने और दिल्ली के जयप्रकाश को चुनाव किया। और इस चुनाव में मोहन यादव हार गए। जी हां, वही बीजेपी के बड़े नाम जो जीत के साथ पूरे वाहवाही लूट रहे थे मध्य प्रदेश में, उन्हें महज 5 वोट मिले हैं। इतनी करारी हार, सिर्फ 5 वोट मिले हैं, और ये खबर आपको नेशनल मीडिया में खोजने पर नहीं मिलेगी, आप अब नहीं जानते हो। अब बता दो, मध्य प्रदेश को सीएम बनते ही मोहन यादव का चर्चा जोरों शोरों से था। हर जगह उसकी तारीफ की जा रही थी, किस प्रकार वो क्षेत्र में काम किए थे, किस प्रकार उन्हें लोगों पकड़ थी, किस प्रकार वो धैर्यवान थे। वहीं भारत कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष का वह चुनाव लड़ रहे थे। भारत कुश्ती संघ के लिए 4 उपाध्यक्ष चुने जाने थे, बात को समझिएगा, 4 उपाध्यक्ष चुने थे। मोहन यादव ने भी उसके लिए पर्चा भरा था, तब तक वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए थे। आपको बता दूं, ये बात 13 दिसंबर 2023 की है। जब तक उनकी ताजपोशी हुई, तब तक पर्चा वापस लेने की तारीख निकल गई, और आज हुए, यानी कि इस खबर में, आज की इस खबर में आप बता दूं, जो 21 दिसंबर को चुनाव में पश्चिम बंगाल के असित कुमार शाह, पंजाब के करतार सिंह, मणिपुर के एन फोने और दिल्ली के जयप्रकाश को उपाध्यक्ष चुने गए, लेकिन इतने बड़े नाम बीजेपी के गद्दावर जो सीएम के पद पर है, इस चुनाव में मोहन यादव हार गए और उन्हें वोट सिर्फ पांच वोट मिले हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अब भी वर्तमान में मध्य प्रदेश के कुश्ती संघ के अध्यक्ष और भारत कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष हैं, और भारत कुश्ती संघ का अध्यक्ष संजय सिंह को चुना गया, वह ब्रिजभूषण सिंह के करवी माने जाते हैं। और बड़ी बात यहां पे यह बनती है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह कितना पावरफुल हो गया, कितनी उनकी पावर है, यानी कि अपने ही पार्टी के कद्दावर नेता को उन्होंने हरा दिया। एक कद्दावर जो सीएम उम्मीदवार जो है, उम्मीदवार के नहीं, एमपी के सीएम है, अब सीएम है, एक बड़े नाम हो गया, उनको हरा दिया ब्रिजभूषण सिंह ने, जिसे साइडलाइन कर दिया गया। यह खबर मायने रखती है। अब बता दो, अध्यक्ष पद के लिए उत्तर प्रदेश के संजय कुमार सिंह को चुना गया था, उन्हें 40 वोट मिले, यानी कि जो जीते हैं उन्हें 40 वोट मिला है। वहीं उड़ीसा से चुनाव लड़ने वाली अनिता को महज 7 वोट मिले हैं और वह हार गई है। इस तरह वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर चुनाव लड़े और असम की देवेंद्र को 32 वोट और गुजरात की आईडी नानावटी को 15 वोट मिले हैं। अलग अलग ने 40, 32, 15 ऐसे वोट हासिल किए। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए 4 लोगों को चुना जाना था और पंजाब के करतार सिंह को 44 वोट मिले। उसमें उस चारों में पंजाब के करतार सिंह को 44 वोट मिले। पश्चिम बंगाल के असित कुमार शाह की बात करें तो उन्हें 42 वोट मिले। वहीं मणिपुर के एन फोनी को 38 वोट मिले, दिल्ली के जयप्रकाश को 37 वोट मिले, और एमपी के डॉक्टर मोहन यादव को महज 5 वोट मिले और वह चुनाव हार गए। और ये बात बड़ी इसलिए भी मैं बतानी जरूरी है, क्योंकि यही अगर ये कोई विरोधी पार्टी का नेता होता या विरोधी पार्टी का सीएम उम्मीदवार रहता, तो ये खबर आपको नेशनल मीडिया में बड़े बड़े हेडलाइन के साथ दिखती। लेकिन आप ये खबर नहीं जान रहे होंगे, या आपको उतना नहीं दिखाया होगा, दिखाया गया होगा तो साइड में थोड़ा सा कुछ समय के लिए दिखाया गया, या शायद नहीं के बराबर दिखाया गया। और इसी तरह प्रधान सचिव पद के लिए गुजरात के प्रेमचंद लोचप को 27 वोट और चंडीगढ़ के दर्शन लाल को 19 वोट मिले। आपको बता दो, संयुक्त सचिव पद के लिए आंध्र प्रदेश के आर के पुरुषोत्तम को 36 वोट, कर्नाटक के वेलपिडी गुरुरंजन सेट्टी को 34 वोट, हरियाणा के रोहतास सिंह को 10 वोट और हिमाचल प्रदेश के कुलदीप सिंह को 9 वोट मिले। कोषाध्यक्ष पद के लिए उत्तराखंड के सत्यपाल सिंह देवसाल को 34 वोट मिले और जम्मू कश्मीर के दुष्यंत शर्मा को 12 मिले। कई सारे पदों पर इस पे वोटिंग हुआ, चुनाव हुआ, इसमें अलग अलग
पद के लिए अच्छे खासे वोट हासिल करके कई सारे उम्मीदवार जीत का स्वाद चखा यानी जीते। वहीं कार्यकारी सदस्य के लिए चुनाव लड़े छत्तीसगढ़ के प्रशांत राय को 37 और झारखंड के रजनीश कुमार को 37, तमिलनाडु के एम लोगानाथन को 36, नागालैंड के नेवी कोहली खापसी को 35, राजस्थान के उमेद सिंह को 34 वोट और असम के रतुल शर्मा को 9 और जम्मू कश्मीर के अजय वेद को 8 वोट मिले। अब बंधु इस अलग अलग पदों में कई कुश्ती भारतीय कुश्ती संघ के इस पद के चुनाव में रिजल्ट 21 दिसंबर को ये जारी हुआ। ये खबर ये कल की है, ये क्या रिजल्ट कल ही जारी हुआ। आमतौर पर ये खबर आपको कल ही पूरे ब्रेकिंग न्यूज के साथ पूरे नेशनल टीवी में दिखनी चाहिए थी, लेकिन आपको शायद नहीं दिखी। कई खोजने के बाद ये खबर हमको मिली तो मैंने आप लोगों को बताया। अब संजय सिंह की जीत का ऐलान के तुरंत बाद पहलवान साक्षी मलिक, दिनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साक्षी मलिक ने यह भी कहा कि कुश्ती वो छोड़ रही है। ये बड़ी खबर बनी थी और उन्हें गुरुवार शाम मीडिया के सामने इसकी घोषणा की थी। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।